गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि भले ही वैक्सीन मार्केट में आ गया हो, भले ही वैक्सीन लोगों को लग रहा हो और ऐसी खबर है कि मार्च तक वैक्सीन जो है वो आम पब्लिक के लिए, मिड ऑफ मार्च से कोरोना का वैक्सीन आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तब भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तब भी हमको मास्क लगाना है। मैंने देखा अभी कि और मान कर चलिए कि 90% लोग जो है मास्क लगाना बंद कर चुके हैं। मतलब जो पहले चीन पर भी मास्क लगाते थे ना, उन्होंने मास्क को घर में फेंक ही दिया उन्होंने, क्या मतलब। अब जो है वो कोरोना को लेकर एकदम लापरवाही का जो है वो आलम आ चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना जहाँ पर नीचे गया है वहाँ पर दोबारा भी ऊपर आया है वो। इसलिए अभी हमको यदि जो है वो इस बीमारी से जो है वो देश को बचाना है, खतरे को जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो अभी हमको जो है मान कर चलिए ये 2021 जो है पूरा का पूरा हमको मास्क के साथ गुजारना पड़ेगा हमें, ताकि हम इस बीमारी को और प्रोपेगेट होने का मौका ना दें। और रही बात वैक्सीन की, तो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैक्सीन का जो असर है वो अभी इसलिए बेहतर है असर वैक्सीन का, जो कि लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन काम करेगा, कर रहा है काम, ठीक है, ट्रायल में भी सामने आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर म्यूटेंट स्ट्रेन जो है बड़ी तेज़ी से नहीं फैला है। लेकिन जैसे अभी साउथ अफ्रीका ने जो है वो 1 मिलियन डोजेज, 1 मिलियन 10 लाख वैक्सीन जो है वो जो कोविशील्ड के हैं वो उन्होंने वापस कर रहा है इंडिया को, क्योंकि बोल रहा है वो कि हमारे साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर म्यूटेंट वायरस हो चुका है और इसके लिए ये वैक्सीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन को भी नहीं रोक पा रहा है, तो वो दूसरी किसी वैक्सीन को कंसिडर कर रहे हैं, या बोल रहे हैं वो कि थोड़े समय के बाद इस वैक्सीन को दोबारा हम वैक्सीनेशन अभियान में यूज़ करेंगे, फिलहाल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर म्यूटेंट स्ट्रेन फैल रहा है। क्योंकि जो फ्लू वायरस होता है ना, इसकी खास बात ये होती है कि बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, तो इसलिए हर साल फ्लू का वैक्सीन जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होकर आता रहता है। तो अभी कोरोना से लड़ाई जारी है, तो इसलिए इसको लेकर एकदम लापरवाही करना जो है वो समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए घर के लोगों को भी समझाइए, मैं आपको कह रहा हूँ ताकि आप घर के लोगों को बता पाएं कि देखो दुनिया को देखो और सबक सीखो कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ बीतेगी तो ही सबक सीखेंगे। खैर, ये तो एक सामान्य बात मैंने आपसे कही कि जो आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि देखो अपनी हम सब लोग मिलकर यदि थोड़ी सावधानी बरते ना तो इस देश में, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोरोना फैलता है, कोई लॉकडाउन होता है, तो हमारे यहाँ देश जो है वो बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिफरेंट टाइप की है। बाकी लोग वो सस्टेन कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को जो है हम लोग जो है वो 10 दिन का लॉकडाउन जो है हमको जो है वो 6 महीना साल भर पीछे लेके जाता है, तो हमको वो दोबारा नहीं चाहिए, ठीक है। आप सुनिए मां, अब एक आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम, एंड वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं मिलता हमको, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब भी हम जो है वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे हार्ड वर्क का क्या, मतलब हमारा हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा हमको। अब आपको एक बात बताता हूँ पति की, हार्ड वर्क आपका तभी सही दिशा में, जब आप हार्ड वर्क को सही दिशा में करेंगे ना, तभी आपको वो परिणाम देगा वो, ठीक है। इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि बायोमेंटर्स, जैसे मेरा बायोमेंटर्स है के और भी प्लेटफॉर्म है, तो वो वहाँ पे जो टीचर्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपकी लड़ाई को हम स्वयं नहीं लड़ सकते हैं, वी आर जस्ट गाइड, हम गाइड के समान है, मार्गदर्शक के समान है, कि स्टेपिंग स्टोन के समान है, कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ मत जाओ, यहाँ रुक जाओ, ठीक है, इसके बाद तुम्हें यहाँ पढ़ना है, यहाँ जाना है, तो मतलब हम लोग आपको रास्ता राह बतलाते हैं, लेकिन चलना राह को नहीं राहगीर को पड़ता है, चलना राह को नहीं राहगीर को पड़ता है, और मंजिल भी राह को नहीं मिलती है, राहगीर को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आप की लाइफ में गुरु का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं इस पर, हम आपको पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, के इंडियन स्टोरी है, पंचतंत्र की स्टोरी है, कि जिसमें उन्होंने बताया कि भाई गुरु का क्या महत्व होता है। तो एक बार क्या होता है, बंदरों का एक झुंड होता है, वो पेड़ पर कहीं कहीं रह रहे होते हैं, जंगल में पेड़ों पर जो है वो रहते हैं, लेकिन उस समय जो है वो जब ये जबकि बात है जब जो है वो तेज ठंड पड़ रही होती है, कड़ाके की ठंड होती है, और जो है वो बंदर भी कप रहे होते हैं पेड़ों में, उनको लगता है कि अरे बड़ी ठंड लग रही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बंदर जो थोड़ा सा उनमें होशियार होता है, वो कहता है कि काश आग लगाने मिल जाती कहीं पर, तो हम जो है आग के पास बैठते तो हमें वो ठंड ना लगती, के तो हम आग लगाने का प्रबंध कहीं से करना पड़ेगा हमको, के बाकी सब बंदर कहते हैं भाई आग कैसे लगाएं, अब देखना पड़ेगा, तो अभी तक जो आग हमने देखी वो तो जंगल की लगी हुई आग थी अपने आप से, कि तो थोड़ी बहुत कहीं सुलग गई थी या इंसान लगा के छोड़ गया, तो वो आग जो है उसका यूज़ कर लिया करते थे, पर
हम कैसे आग लगाएंगे, तो हमें कुछ तो कुछ सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा ना। तभी वहां से जो है वो फायरफ्लाइज, जुगनू होता है ना, जुगनू, चमकते जुगनू, फायरफ्लाइज, समझते हैं जुगनू आपके। तो जुगनू से याद आया, रुको रुको कहानी को यहीं रोकते हैं। जुगनू से याद आया कि मैं महाराष्ट्र में, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर जो है बॉम्बे से, 100-150 किलोमीटर दूर एक जगह है, जुगनू बाड़ी बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, एग्जैक्ट नाम तो भूल रहा हूँ, पर ये पुणे के आसपास कहीं पड़ता है। तो वहाँ पे ना, वहाँ पर जो है वो बरसात के मौसम में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जो वहाँ पर जो ब्रीडिंग पीरियड होता है फायरफ्लाइज का, उस समय जो है वो 10 दिन के लिए टूरिस्ट काफ़ी सारे वहाँ आते हैं, और मैं भी वहाँ गया था। तो वहाँ पे जंगल में एक छोटा सा बहुत एकदम बेसिक सुविधा वाला वहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है, जहाँ पे रिजॉर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, कमरा है, 2 बिस्तर लगे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल खाना पीना मिलता है, लेकिन टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके रुकते हैं, रात को जंगल में जाते हैं। तो आधी रात को जंगल में गए हम भी, चारों तरफ पेड़ों पर इतने जुगनू कि हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी सीन हो सकता है। पूरा का पूरा पेड़ जंगल, कुछ सेकंड के लिए जंगल एकदम चमक जाएगा, इतना चमक जाएगा कि आप एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे अंधेरे में, फिर वो ऑफ हो जाएगा, फिर जाएंगे। अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो, जीवन में दोबारा कभी वो अनुभव आपको न मुझे, मतलब कहीं और वैसा अनुभव नहीं मिल सकता है, जाना पड़ेगा तो वहीं जाना पड़ेगा। खैर, तो अभी लौट के कहानी पर वापस आते हैं कि अब वहां से जुगनू का एक फायरफ्लाइज का ग्रुप निकलता है, तो एक होशियार बंदर उनमें से बोलता है कि यार आग आ गई, पकड़ो इसको। तो एक दो फायरफ्लाइज को पकड़ लेते हैं वो, और बोले सूखे पत्ते लेके आओ, सूखे पत्ते लेके आते हैं, फायरफ्लाइज को रखते हैं वो, और सूखे पत्तों का ढेर लगाते हैं, वो चमक रहे होते हैं फायरफ्लाइज, जुगनू, ठीक है, और जो है वो पूरी कोशिश करते हैं, फूक रहा होता है कोई, कुछ कर रहा होता है कोई, हवा लगा रहा होता है कि आग लग जाए, आग लग जाए। बहुत देर हो गई होती है, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम चल रहा होता है। तो एक चिड़िया वहां से निकलती है, वो चिड़िया पूछती है कि क्या कर क्या रहे हो, दिखता नहीं है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? देखो ये देखो, अंदर चिंगारी रखी हुई, अंदर ये चमकती जलेगी अभी, ये तो इसको हम फूंक रहे हैं तो आग लग जाएगी अभी, तो अभी ठंड खत्म हो जाएगी। चिड़िया हंसने लगती है, तो बंदर बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो, बोलती है इससे आग लगेगी इससे। अरे भाई, इससे आग नहीं लग सकती है, तुम लोग एक काम करो, ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो पास में गुफा है, उस गुफा में जो है तुम सारे के सारे लोग, तो कई सारे 15-20 बंदर हो, सब इकट्ठे होकर पहुंच पाओ, पहुंच जाओ, और पास पास सट सट के खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी बॉडी की हीट से गर्मी बना रहेगा, गुफा रहेगी तो गुफा में, चूंकि आसपास से एयर अंदर नहीं आएगा, तो तुम्हारी गर्मी वहां बनी रहेगी, तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। कैसी बात करती है, आग से अच्छा कुछ होता है क्या? हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क, आग लगाई लगेगी, देखना, फिर देखना, फिर देखना, मैं बताता हूँ वक्त को, मेरा भी वक्त बदलेगा, ये आग लगेगी, जब लगे मेहनत करने, लगे मेहनत करने। 2-5 घंटे गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तो एक बंदर की समझ बात आती है, यार वो चिड़िया निकल तो गई है, लेकिन वो बता हमको बोल गई थी, एक बार वो करके भी देख लेते हैं, आग तो लग ही नहीं रही है। फिर वो बंदरों का गुच्छा ग्रुप जो है पूरा गुफा में चला जाता है, वहां जाके जब गुफा में सब सट सट के बैठ जाते हैं आपस में, तो बॉडी की हीट से धीमे धीमे गुफा में भी गर्मी होने लगती है, और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस कहानी से क्या सबक मिला? तो पंचतंत्र की ये कहानी बतलाती है कि भाई ऐसा है कि केवल कठोर परिश्रम करने से मंजिल नहीं मिलती है, आपको कठोर परिश्रम करने के साथ साथ इस बात का बोध होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं आप, कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आपके, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जुगनू को लेकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि ऐसा है तभी सफलता नहीं मिलती है। तो मेरी बातों को बेटा बुरा मत मानना, पर सच्चाई यही है कि हम सारे लोग हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति आलसी नहीं है, लेजी नहीं है, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो, लेकिन हम में से कई लोगों के पास में डायरेक्शन का अभाव है, सही दिशा का अभाव है, और हम में से कई लोग ऐसे जिनको सही दिशा मिल जाए ना, तो वो फोड़ देंगे, वो टॉप करेंगे एग्जाम में वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम डिप्रेस इस बात को लेकर कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क के, वो बंदर भी डिप्रेस हो गए थे। मैं आपको बंदर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ बेटा, कि यदि हार्ड वर्क करके सफलता नहीं मिलती है, तो इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि गलती कहाँ पर हो रही है हमसे, जहाँ पर हमसे गलती हो रही है उसको पहचानो, उस गलती को रिपीटेड 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 मत करो, क्योंकि कारण ये है कि एक ही काम को बार बार करने से अलग अलग परिणाम नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए अपनी गलती को सुधारो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्म आकलन करो, सही गुरु से गाइडेंस लो आप, जरूर सफलता मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।